हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरोज कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज हम लोग कुछ ऐसे लक्षण के बारे में जानेंगे जिससे कि पता चलता है कि आपका बच्चा बीमार है। क्योंकि कई बार होता है जब आप अपने बच्चों को दिखाने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि ये नॉर्मल चीज़ है, डॉक्टर बताते हैं कि ये नॉर्मल है। लेकिन कई बार आप नॉर्मल लेके जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, बच्चा आपका बीमार है। तो कुछ ऐसी लक्षण हैं जिनके बारे में हमें एज ए पेरेंट्स जानना ज़रूरी है, और अगर ये लक्षण आपके बच्चों में पाया जाता है तो तुरंत उसे अपने नज़दीक के डॉक्टर से दिखाएं। तो इस लक्षण को हम लोग डेंजर साइन कहते हैं। इसका मतलब अगर इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपके बच्चे में दिखे तो आप समझिए कि आपका बच्चा बीमार है और आप उसे तुरंत अपने नज़दीक के डॉक्टर को दिखाएं। तो उसमें सबसे पहला यह है कि बच्चे का सुस्त होना या दूध नहीं पीना। आपका बच्चा अगर पहले से ऐसा लग रहा है कि सुस्त हो गया या पहले से कम दूध पी रहा है या दूध नहीं पी रहा है तो ये डेंजर साइन है। दूसरा है एक्सेसिव क्राइंग। अगर आपका बच्चा ज़्यादा रो रहा है, खासकर क्या होता है, बच्चा जब रोता है और आप उसे गोद में उठाते हैं या कौंसिल करते हैं तो फिर बच्चा चुप हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा रोए जा रहा है और किसी भी तरह से वो चुप नहीं हो रहा है तो ये भी डेंजर साइन है। कहीं आपके बच्चे का रंग नीला तो नहीं पड़ गया है, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, उनका रंग पिंक होता है। तो आपको देखना है कि ओठ या तलवा कहीं नीला तो नहीं पड़ रहा है, तो इन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि ये भी एक डेंजर साइन है। इसके अलावा आपको देखना है कि बच्चा आपका कहीं हफनी तो नहीं हो रहा है, बच्चे का सांस तो तेज़ नहीं चल रहा है, या पसली चलना जो हम लोग बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, वो ध्यान रखना है। अगर ये सब है तो वो खतरे का निशान है, डेंजर साइन है। या फिर सांस लेने के दौरान बच्चे के मुंह से आवाज़ तो नहीं निकल रही है, करहाने वाली आवाज़, वो भी डेंजर साइन होता है। उसके अलावा आपको देखना है कि कहीं आपके बच्चा को चमकी या मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ रहा है, जिसमें कि बच्चा आँख ऊपर उलट देता है या फिर लगातार एक किसी फिक्स्ड पॉइंट पे देखते रहता हो, स्टेयरिंग जिसे कहते हैं, तो ये भी एक डेंजर साइन है। नवजात शिशु में जॉन्डिस के बारे में भी ध्यान रखना है कि शुरू के एक हफ्ता में जॉन्डिस होने की संभावना रहती है। तो थोड़ा बहुत जॉन्डिस नॉर्मल होता है, लेकिन अगर वो जॉन्डिस हथेली तक पहुँच जाए, तलवा तक पहुँच जाए, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा है जॉन्डिस, ये भी एक डेंजर साइन है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंस जो डेंजर साइन हमने बताया उसको आपको याद रखना है। हाँ, इसके अलावा एक और है कि 24 घंटे में बच्चा को 3 से 4 बार कम से कम पेशाब करना चाहिए। अगर वो आपके 24 घंटा में 3-4 बार पेशाब नहीं कर रहा है तो भी ये डेंजर साइन है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें, और कभी भी इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपके बच्चे में दिखे तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास ले जाएं। धन्यवाद।